एक्वास्टार नहीं है क्या? घर या ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट, एक्वास्टार। नमस्कार सभी दीपवासियों को, खासकर हमारे फिशरमैन भाइयों को, कल का जो इंसिडेंट हुआ जो है तुलसीदास है, उनके परिवार को मेरी तरफ से और मेरी कम्युनिटी की तरफ से, फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से उनको कंडोलेंस करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ, क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ उनका बहुत गलत हुआ, क्योंकि एस तुलसीदास और उनकी पत्नी दोनों ही है, उनके बच्चे नहीं है। और मैं कल तुरंत कमोटा के जो फिशरीज ऑफिसर, वहाँ के जो पुलिस विभाग से मेरा बात करना हुआ और मैंने पूरी रिपोर्ट लिया और काफ़ी दुखद है, और क्योंकि एस तुलसीदास एक 64 ईयर एज का है, सीनियर सिटीजन से ज़्यादा है और हमारे फिशरमैन का कोई एज नहीं रहता है, वो लोग तो 64 के 50 70 ईयर में भी फिशिंग करते हैं, कई सारे लोग हैं। तो मैंने पता किया, उनका लाइसेंस भी रिन्यूअल है और काफ़ी अच्छा पुराना सीनियर फिशरमैन है वहाँ का। उनका इंसिडेंट इस तरीके से हुआ, उन्होंने एक दिन पहले अपने बोट में जाके उन्होंने अपने जाल को समुंदर में डाल कर आया, अगले दिन गया और रिटर्न आने टाइम उनको बारिश काफ़ी जोर था और हवा भी आया और उनके साथ और एक फिशरमैन था, तो उनको काफ़ी बचाने का कोशिश हुआ और वो बोट पलटी हो गया और वो एस तुलसीदास अभी इस दुनिया में नहीं रहा है। उनकी उनको मेरी तरफ से पूरी श्रद्धांजलि। और जो एस तुलसीदास का जो बोट है वो, और उसके साथ जो उनका जो पूरी रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ कर रहा है, और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के तरफ से हमारी एक स्कीम है, ग्रुप एक्सटेंशन इंश्योरेंस स्कीम, जिस जो स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आती है, और पूरी स्कीम का जो फंडिंग पैटर्न और जो इंश्योरेंस की पैटर्न एनएफडी भी देखती है इंश्योरेंस सेल। मैंने तुरंत इंश्योरेंस सेल को भी मैंने कवर दिया और इस तरह का कई सारा घटना अंडमान बीते दो तीन साल में हुआ और पूरे द्वीपों में 14,000 से अधिक फिशरमैन इसमें रजिस्टर्ड है, जिसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्कीम बनाया, 72 रुपीज़ 44 पैसा पर एक फिशरमैन से गवर्नमेंट पे करती है और उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें 5 लाख रुपया दिया जाएगी, क्योंकि उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छा क्लियर है। तो मैं और एक प्रार्थना कर रहा हूँ, पूरा विनती कर रहा हूँ पूरे अंडमान निकोबार के फिशरमैन से कि जो फिशिंग करने जाते हैं जो भी हो, आप अपने लाइसेंस रिन्यूअल रखें, क्योंकि अगर लाइसेंस रिन्यूअल रहता है, रिन्यूअल के साथ ही साथ आपको इंश्योरेंस दिया जाता है वो 72 रुपीज़ 44 पैसा पर ईयर का। तो इसलिए अगर लाइसेंस रिन्यूअल नहीं रहेगा तो आपको हमारे जो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का इंश्योरेंस सेल आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि प्लीज़ आप लोग अपना लाइसेंस रिन्यूअल रखें। मैं सभी द्वीपों के फिशरमैन से अपील करता हूं क्योंकि आप अपना लाइसेंस रिन्यूअल रखें। मुझे अभी अभी और एक खबर आया कि मायाबंदर का एरिया में भी इस तरह का फिशरमैन का घटना घटी है, मुझे अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं मिली है, मगर मैं सभी से यही कहता हूँ, उनका परिवार सभी जनों से, क्योंकि अभी पूरे मौसम इतना दिक्कत है, खराब है, रफ सी है, तो थोड़ा देख कर फिशिंग करें और साथ ही साथ अपने लाइसेंस कंफर्म लेके चले और उसके साथ और रिन्यूअल कंफर्म करें। और मैं पूरे द्वीपों के तीनों असिस्टेंट डायरेक्टर जो जोनल फिशरीज ऑफिसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग लाइसेंस रिन्यूअल का एक कैंप चलाइए, और मैं सेक्रेटरी फिशरीज और डायरेक्टर फिशरीज को भी मैं मंडे मिलूंगा और उनको भी कहूँगा कि एक लाइसेंस रिन्यूअल का कैंप चलाए और एक अवेयरनेस कैंप करे कि आप लोग फिशिंग जाने से पहले आप लोग अपना लाइसेंस रिन्यूअल रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कई सारा फिशिंग कम्युनिटी की घटनाएं चल रही है, पूरे द्वीपों के सारे न्यूज चैनल भी कवर कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरे जो जितना भी जो डेथ हुआ है जो पिछले 2-3 दिन में, सभी परिवार को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से और हमारे फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन की जो टीम की तरफ से उनको श्रद्धांजलि और उनको कंडोलेंस।
और आप लोग फिशिंग करने टाइम ध्यान से करिए। धन्यवाद सर। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जो भी इस तरह का जो इश्यूज होता है, क्योंकि बहुत जन, क्योंकि आपने अभी बोला है तो बहुत जन अवेयर नहीं है कि जो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है। सो सपोज किसी को इस तरह का कैजुअलिटी होता है तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, क्योंकि आप एक बार उनको गाइड कर देंगे तो वो इन फ्यूचर डेज में यूजफुल रहेगा सर। थैंक यू। आप लाइसेंस बनाने टाइम ही आपको इंश्योरेंस का कवर कर देते हैं। जैसे ही आपका इंसिडेंट होती है तो उनको सबसे पहले FIR होती है, और अगर डेथ होती है तो उनको पोस्टमार्टम के साथ जो UD FIR रिपोर्ट जो होती है वो रिपोर्ट और FIR की रिपोर्ट और डिपार्टमेंट फिशरीज के जो एरिया फिशरीज ऑफिसर उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। इनको इन्फॉर्म करने से अपना रिपोर्ट बना के अपने लगाते हैं। फिर इसी तरह अगर आधा आपको जैसा कुछ एकदम डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो उनको डायलिसिस पे दिया जाता है, तो उनके लिए भी इसी तरह प्रोसीजर है। जो भी है FIR होती है, फिर उसके बाद आके फिर इंस्पेक्शन होकर जो फिशरी मेन एरिया फिशरीज ऑफिसर की रोल रहती है, एरिया फिशरीज ऑफिसर अपना रिपोर्ट बनाते हैं, और साथ ही साथ जो अगर थोड़ा सा जिसको छोट वोट लग जाता है नॉर्मल, उनको 25,000 रुपये मिलती है। वो डिपेंड अपॉन मेडिकल का कैजुअलिटी का जो मेडिकल के जो एडमिट स्लिप जो रहती है वो स्लिप के हिसाब से उनको मिलती है। तो ओवरऑल इसमें जो है जो फिशरीज का जो कंसर्न लाइसेंस जो है वो सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं इसको लेके मैं हो सके तो अभी इस महीना एंडिंग अगले महीने तक मैं हो सके तो विद इन ए वीक में मैं डायरेक्टर ऑफ फिशरीज और सेक्रेटरी फिशरीज से मैं गुहार लगाऊंगा कि इनके ऊपर जो जिसको लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है, बोट का लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसमें क्रू मेंबर जाते हैं, उनको सारे ओनर्स को बुलाकर इमीडिएटली लाइसेंस रिन्यूअल का एक ड्राइव चलाने का मैं कैंप करवाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।